Hello students, how are you? Good evening. Aaj ka lecture number 11, motion of charge in electric and magnetic fields. Dono ke field agar exist hai, electric field or magnetic field. Aur uske andar agar hum koi charge ko enter karwa de, to kya hoga? Bas uske baare mein aaj hum baat karenge. Dekhte hain sabse pehle iske andar kya karenge? Basic ideas le lete hain. Basic idea mein hoga कि अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो उस चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स होता है दैट फोर्स इज इक्वल टू बेसिकली क्यू ई. इतना तो आप ऑलरेडी जानते हो, राइट. और अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है तो उसके अंदर लगने वाला जो फोर्स होता है, उसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स होता है वो है एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है तो यहां पे जो टोटल फोर्स ऑन चार्ज लगेगा, टोटल फोर्स ऑन चार्ज, ठीक है, तो वो टोटल फोर्स कितना होगा? तो टोटल फोर्स यहां पे जो होगा दैट वुड बी क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी. तो इसको हम क्या कहते हैं भाई? लॉरेंट्स फोर्स बोलते हैं. वैसे भी कल के लेक्चर में हमने देखा था लॉरेंट्स फोर्स के बारे में, तो इसको कहते हैं लॉरेंट्स फोर्स. तो बस ये फोर्स जो है, इस फोर्स की इफेक्ट के अंदर वो पार्टिकल क्या करेगा? मूव करेगा. जब भी उसको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब दोनों प्रेजेंट हो तब उसके अंदर डाल दिया जाए. तब देखिए, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज इससे सीखने को जो मिलती है मुझे यहाँ पे, कि अगर ये जो फोर्स है वो अगर जीरो हो गया तो क्या होगा? मतलब ये टोटल फोर्स जीरो. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स जीरो हो रहा है या फिर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मिला के जो फोर्स होता है, अगर वो फोर्स जीरो हो जाता है तो क्या होगा? इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों प्रेजेंट है. दोनों प्रेजेंट है फिर भी हमने कोई पार्टिकल को एंटर किया, और पार्टिकल को एंटर करने के बाद उस पार्टिकल की मोशन में कुछ भी फर्क नहीं आया. मतलब उसने ना तो डायरेक्शन चेंज की, ना तो उसने वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज किया, ना तो कुछ और चेंज हुआ. मतलब इसका मतलब क्या होता है कि अगर उस अपना पार्टिकल जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, कंबाइंड फील्ड के अंदर अगर हम डाल देते हैं और उसकी मोशन में यानी डायरेक्शन और वेलोसिटी में अगर कोई चेंज नहीं आता है, देन हम ऐसा बोल सकते हैं कि उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स जो होता है वो जीरो होता है. अगर नेट फोर्स को जीरो कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी क्या हो जाएगा भाई? जीरो हो जाएगा. और अगर ये जीरो हो जाता है तो ये क्यू ई इज इक्वल टू माइनस क्यू वी क्रॉस बी हो जाएगा. एंड देयरफॉर E क्या हो जाएगा भाई? देखिए, माइनस वी क्रॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं? बी क्रॉस वी लिख सकते हैं. माइनस वी क्रॉस बी को बी क्रॉस वी लिख सकते हैं. और मुझे ये कंडीशन मिल गई. इसका ये कंडीशन का मतलब ये होता है कि अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो क्या होता है भाई? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल विच इज कैप्ट इनसाइड, जिसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, उसका क्या हो जाएगा? नेट फोर्स उसके ऊपर लगने वाला जो है वो जीरो हो जाएगा. अच्छा, नेट फोर्स के जीरो होने से दूसरा क्या होगा? नेट फोर्स के जीरो होने से उसका नेट एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा. नेट एक्सेलरेशन के जीरो होने से उसकी वेलोसिटी का जो वैक्टर है वो वेलोसिटी वैक्टर क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंट हो जाएगा, जीरो नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा भाई? कॉन्स्टेंट हो जाएगा. और वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी उसकी, और उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो जाएगी. ठीक है, स्पीड और डायरेक्शन ये दोनों चीजें उसकी कांस्टेंट हो जाएगी जब ये कंडीशन फुलफिल होगी. तब कौन सी वाली कंडीशन भाई? तो ये मैं बॉक्स जो कर रहा हूं उस कंडीशन को जब फुलफिल होगा तब क्या हो जाएगा भाई? नेट फोर्स जीरो हो जाएगा. अब इस कंडीशन से हमको क्या पता चलता है? देखो, कोई मुझे इस कंडीशन से बोले कि भाई व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस वी. अब ये चीज ध्यान से देख लो, बी क्रॉस वी हमेशा
V से परपेंडिकुलर होता है, B क्रॉस V हमेशा B से भी परपेंडिकुलर होता है, और उसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि E जो होगा वो V से परपेंडिकुलर होगा एंड E जो होगा वो B से भी परपेंडिकुलर होगा। और ये दोनों अगर परपेंडिकुलर है तो हम बोल सकते हैं कि V डॉट E क्या होगा भाई, जीरो होगा। और यहां पे ऐसा भी बोल सकते हैं कि E डॉट B जीरो हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर जो होते हैं उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। मतलब ये मेन कंडीशन है, उस मेन कंडीशन में से हमको कुछ ऐसे रिजल्ट मुझे मिल रहे हैं, और ये रिजल्ट जो है कभी कभी डायरेक्टली यूटिलाइज हो जाते हैं टू प्रूव कि भी नेट फोर्स लगने वाला जो है ना वो क्या है, जीरो है। बस इतना अगर दिमाग में बैठ चुका है तो हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। देखते हैं वन बाय वन प्रॉब्लम लेते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, अ चार्ज पार्टिकल विद चार्ज क्यू एंटर्स अ रीजन ऑफ कॉन्स्टेंट यूनिफॉर्म एंड म्यूचुअली ऑर्थोगोनल फील्ड्स। ये वर्ड है यहाँ पे ऑर्थोगोनल। ये ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है भाई, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ओके, तो दो फील्ड है एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पे दे दिया है कि E इज परपेंडिकुलर टू B। सॉरी मेरी गलती है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं फिर देखते हैं। देखिए चार्ज पार्टिकल जो Q है एंटर्स अ रीजन ऑफ कॉन्स्टेंट यूनिफॉर्म एंड म्यूचुअली ऑर्थोगोनल फील्ड्स E एंड B विथ वेलोसिटी V परपेंडिकुलर टू बोथ E एंड B। यस, यहाँ पे सब कुछ एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, मतलब V, E और B, ये तीनों तीन चीजें एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। और बोला है देखिए ये चार्ज है ना कम्स आउट विदाउट एनी चेंज, ये चार्ज कोई चेंज नहीं होता उसकी मोशन में, ना तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, ना तो उसकी एक्सेलरेशन चेंज होती है, ना तो वेलोसिटी बदलती है, ना तो वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलती है, कोई टाइप का यहाँ पे उसको चेंज नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन में कौन सी कंडीशन यहाँ पे वैलिड होगी, दैट्स द क्वेश्चन। देखते हैं, हमने अभी देखा अगर इसके सिचुएशन में कोई चेंज नहीं होता है तो नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो होगा तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि E इज इक्वल टू B क्रॉस V। ओके, E इज इक्वल टू B क्रॉस V। अभी देखिए सारे ऑप्शंस में कहीं ना कहीं B क्रॉस E या E क्रॉस B जैसी टर्म्स आ रही है, तो इसकी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे दोनों साइड में B से क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूँ, E क्रॉस B करता हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा B क्रॉस V क्रॉस B हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहां पे एक चीज सिखाता हूं मैं आपको, ये इससे आगे बढ़ने से पहले यहां पे जरा ध्यान से देखिए। अगर A क्रॉस B क्रॉस C उसका वैल्यू क्या होगा, तो उसका वैल्यू कुछ ऐसा होगा, ये वेक्टर आइडेंटिटी है। B A डॉट C सबसे पहले जो है ना बीच वाला लेना है, ब्रैकेट पहले तो ब्रैकेट देखो, और ब्रैकेट में ये बीच वाला नंबर है, बीच वाला नंबर मतलब A और C के बीच में B आ रहा है, तो B ले लो और बाकी के जो दो बचते हैं ना उसका डॉट प्रोडक्ट करो। फिर करते हैं माइनस, माइनस क्या करना है, तो ब्रैकेट को ही देखना है, ब्रैकेट में B था सबसे पहले B ले लिया, अब बाकी क्या रहा C, तो C लेना है, और बाकी के जो कौन बच गए A और B बच गए, तो इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है। ये A क्रॉस B क्रॉस C अगर होता तो ऐसे करते, अगर ऐसे होता A क्रॉस B क्रॉस C तो इसको कैसे करेंगे, तो पहले एज यूजुअल B ले लो, A डॉट C कर देंगे, फिर ब्रैकेट में B तो आ गया, बचा क्या भाई A, A लेना है, और जो बाकी दो बचते हैं उसका डॉट प्रोडक्ट कर दो। तो ये उसका तरीका है, ये एक वेक्टर की आइडेंटिटी है जो आप 11th में पढ़े होंगे शायद, याद है तो ठीक है, याद नहीं है तो यहाँ पे देखो उसको रिवाइज करो। अभी देखते हैं इसको यही इसी तरह से एक्सपांड करते हैं, बीच वाला कौन है, यहाँ पे V है, बाकी दोनों का डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे B है और यहाँ पे भी B है, और B का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, B डॉट B यानी B स्क्वायर माइनस, अब ब्रैकेट में V आ गया, बचा क्या B, अब बाकी जो दो बचते हैं उसका डॉट प्रोडक्ट करना है V डॉट B, और ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर v वेक्टर हो जाएगा, और ये हो जाएगा जीरो। क्यों जीरो हो जाएगा भाई, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला हुआ है कि v इज परपेंडिकुलर टू b, और ये जब दोनों परपेंडिकुलर होते हैं तो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो जाता है जीरो, और इसकी वजह से यहाँ पे क्या बचेगा e क्रॉस b
is equal to b square v vector, और यहां से मुझे v vector का formula मिल जाएगा, that is e cross b upon b square. So this is what the answer we have. Option number b is my answer, right? So I hope it is very much clear. अब देखो ये जो identity है वो दिमाग में रखनी है, अगर ये identity आती है तो ये solve कर पाओगे आप. आगे बढ़ते हैं. देखिए दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे. इस दूसरे क्वेश्चन में भी कुछ सिचुएशन ऐसी ही दी हुई है. अ चार्ज पार्टिकल वुड कंटिन्यू टू मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ रीजन. कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है. कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है कि एक्सेलरेशन जीरो है, तो ये एक्सेलरेशन जीरो. एक्सेलरेशन जीरो है तो क्या होगा भाई, फोर्स भी जीरो हो जाएगा. और फोर्स जीरो हो जाएगा तो कंडीशन कौन सी आएगी भाई, ई इज इक्वल टू बी क्रॉस वी. अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो ये चीज होगी. और यहाँ पे हमको क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, करेक्ट क्या नहीं है वो बताना है. तो देखिए मतलब इसमें से ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी, दैट्स द क्वेश्चन. ओके, अगर देख लिए ई को जीरो ले लिया और b नॉन जीरो है, तो ये इक्वेशन की कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है कि नहीं हो सकती है. तो हो सकती है. देखो b और v मान लो पैरेलल है, फॉर एग्जांपल हमें सोचते जाना b और v पैरेलल है तो b क्रॉस v क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. और e तो जीरो है ही, जैसे क्वेश्चन ऑप्शन 1 में दिया हुआ है. तो ये जो कंडीशन है वो कंडीशन सही है इस पर्टिकुलर इक्वेशन के हिसाब से, इसलिए हमारा आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि हमको तो क्या सही ना हो ऐसी कंडीशन चूज करनी है. अब दोनों दूसरी कंडीशन देखते हैं. ई और बी दोनों नॉन जीरो है. हाँ, तो नॉन जीरो हो तो डेफिनेटली ये कंडीशन फॉलो हो सकती है. कोई ना कोई सिचुएशन में ऐसा वैल्यू मिल सकता है कि जिसमें बी क्रॉस वी का मैग्नीट्यूड और ई का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, सेम हो जाए. फिर सी वाला केस देखते हैं. सी में क्या होगा, देखो बी को जीरो कर दिया. बी को जीरो कर दो मतलब राइट हैंड साइड जीरो कर दिया आपने. राइट हैंड साइड अगर आपने जीरो कर दिया और E जीरो नहीं है तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे मिसमैच होगा. मिसमैच होगा तो मतलब ये ऐसी कंडीशन है जो कंडीशन इस पर्टिकुलर इक्वेशन में कभी सेट नहीं हो सकती, इसलिए यही हमारा आंसर होगा भाई, ठीक है. और लास्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं भाई. E और B दोनों जीरो है तो दोनों जीरो हो तो इक्वेशन अपने आप सेटिस्फाई हो जाता है. तो यहाँ पे यही पूछा था कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई कब नहीं होगा, तो ऑप्शन सी वाला इज द केस जहां पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो सकता है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ साइक्लोट्रॉन, व्हाट इफेक्ट ऑन द रेडियस ऑफ पाथ ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल विल अकर व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी फील्ड इज डबल. मतलब आप जानते हो साइक्लोट्रॉन, जानते हो ना भाई, साइक्लोट्रॉन डिवाइस होती है जो क्या करती है, चार्ज को एक्सेलरेट करती है. साइक्लोट्रॉन में क्या होता है, ऐसे एक डी होता है, ये फिर यहां पे दूसरा डी होता है, आप जानते हो, फिर क्या होता है भाई, इसके अंदर चार्ज पार्टिकल गोल 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 ऐसे घूमता है एंड फाइनली वो बाहर निकल जाता है, राइट. ऐसा कुछ होता है, लेकिन इसको करने के लिए बाहर से एक क्या करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी वाला एक ऑसिलेटर लगाना पड़ता है. हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर जो होता है ना, वो हम बाहर से लगाते हैं. तो ये जो बाहर से लगाते हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी अगर मैं डबल कर दूं, तो ये पार्टिकल की जो गोल गोल घूमने की जो रेडियस है ना, उसमें क्या चेंज आएगा वो पूछा है. तो देखिए यहाँ पे सर्कुलर मोशन में पार्टिकल की रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम वी अपॉन क्यू बी. और दूसरी बात है कि फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्यू बी अपॉन टू पाई एम. चलो इस फॉर्मूला से ही देखो, ये फ्रीक्वेंसी अगर चेंज होती है तो यार राइट हैंड साइड में देखो कहीं पे भी रेडियस जैसी कोई चीज नहीं आ रही है. अगर राइट हैंड साइड में कहीं पे भी रेडियस जैसी कोई चीज नहीं है तो आई कैन क्लियरली से कि ये रेडियस और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है. इसलिए अगर आप फ्रीक्वेंसी को चेंज करोगे तो रेडियस चेंज नहीं होगी, एंड दैट्स व्हाई आंसर विल बी डी. ओके, तो ये हो गया अपना आंसर. आगे बढ़ते हैं भाई. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अब यहां पे एक क्यूबिकल रीजन है. क्यूबिकल रीजन बना देते हैं, ठीक है, देखते जाते हैं.
ये फील्ड विथ सम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्यूबिकल रीजन है भाई, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, ओके ऐसा कुछ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। अब क्या करेंगे, देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन किसी एक साइड से एंटर होता है ऐसे, और उसकी वेलोसिटी है v, पॉजिट्रॉन जो होता है कोई दूसरी साइड से एंटर होता है ऑपोजिट साइड से, डेफिनेटली वेलोसिटी वेक्टर नेगेटिव होगा और यहां पे दिया भी है। तो फिर इस चार ऑप्शन में से क्या सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ठीक है, नॉट करेक्ट वाला ऑप्शन हमको टिक करना है। तो नॉट करेक्ट में क्या आएगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्सेज ऑन बोथ पार्टिकल्स कॉज आइडेंटिकल एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन दोनों का आइडेंटिकल होगा कि नहीं होगा ऐसा पूछा हुआ है। फिर दूसरा ऑप्शन है मैग्नेटिक फोर्स ऑन बोथ द पार्टिकल कॉज इक्वल एक्सेलरेशन, बोथ पार्टिकल गेन और लूज एनर्जी एट द सेम रेट एंड द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज डिटरमाइंड बाय बी अलोन। देखो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, मतलब बाकी सब चीजें सही है, एक चीज गलत है, तो ये एक गलत चीज क्या होगी भाई, तो देखो इलेक्ट्रिक फोर्सेज होते हैं ना भाई, वो बेसिकली F इज इक्वल टू QE से डिनोट किए जाते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन है अगर, तो इलेक्ट्रॉन के लिए ये फोर्स होगा इतना F इज इक्वल टू EE, क्योंकि Q की वैल्यू E हो जाएगी, और पॉजिट्रॉन के लिए ये जो वैल्यू आएगी वो होगी, सॉरी इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस, ये पॉजिट्रॉन के लिए ले लेते हैं, चलो ये पॉजिट्रॉन के लिए है, और अब इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, माइनस EE हो जाएगा, राइट माइनस ई हो जाएगा। तो आप देख रहे हो फोर्स अलग अलग लग रहा है, तो एक्सेलरेशन भी अलग अलग होगा, तो यहाँ पे ये पहला जो स्टेटमेंट है ना, दैट विल बी नॉट करेक्ट, इलेक्ट्रिक फोर्सेस ऑन बोथ द पार्टिकल कॉजेस आइडेंटिकल एक्सेलरेशन, फोर्स ही अलग अलग है, डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी भाई, अपोजिट हो जाएगी, एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट गोइंग टू बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए भाई कि प्रोटॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है, उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक जैसी स्पीड से डाल दिया जाता है, ओके दे आर एंटर्ड विद द सेम स्पीड, ओके द रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड निकालना है। तो जब भी कोई पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डाल दिया जाता है, तब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है QB अपॉन 2 पाई m, और उसके ऊपर से टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई m अपॉन QB, और 2 पाई m अपॉन QB होने की वजह से आई कैन जस्ट से T इज प्रोपोर्शनल टू m अपॉन Q, क्योंकि B जो है ना वो कांस्टेंट रहेगा दोनों के लिए, और 2 पाई भी है वो दोनों पार्टिकल के लिए कांस्टेंट रहेगा, और उसकी वजह से मैं क्या बोल सकता हूं, TP अपॉन T अल्फा क्या होगा, तो TP होगा MP अपॉन M अल्फा, और यहाँ पे नीचे आएगा QP अपॉन Q अल्फा। अब मास ऑफ प्रोटॉन अगर मैं M लूँ ना, तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होगा 4M, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो प्रोटॉन से 4 टाइम्स हैवियर होता है, और अल्फा पार्टिकल का चार्ज डबल होता है किसके चार्ज से भाई, प्रोटॉन के चार्ज से, तो इसके हिसाब से ये जो रेशियो मुझे मिलेगा वो 1/2 होगा, एंड दैट्स व्हाई आंसर विल बी 1, राइट, दैट वाज रियली इजी क्वेश्चन गाइस। आगे बढ़ते हैं, देखिए भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चीज आप मुझे अपना अंगूठा दिखाते रहिए, बताते रहिए कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा है, कुछ भी क्वेरी आए, कुछ भी डाउट हो, इमीडिएटली पूछिए, व्हाट्सएप कीजिए, कम्युनिकेट करिए, वायरस जो है ना भाई वो एक दूसरे के आमने सामने बहुत नजदीक आने से फैलता है, फोन करने पे या व्हाट्सएप करने से वायरस नहीं फैलता है भाई, ठीक है, तो डाउट सॉल्व करिए, डिफिकल्टी हो तो पूछते रहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन में, अब प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है, तीन पार्टिकल है, और तीनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है भाई, सेम है काइनेटिक एनर्जी, और दे एंटर परपेंडिकुलरली इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर ही एंटर हो रहे हैं देखो यहाँ पे, तो उसकी रेडियस का जो रेशियो होगा वो निकालना है, हमारे पास तीन पार्टिकल है भाई, एक प्रोटोन है,
एक न्यूट्रॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है। प्रोटॉन का मास m होता है, न्यूट्रॉन का मास 2m होता है और अल्फा पार्टिकल का 4m होता है। अल्फा पार्टिकल का मास होता है 4m। फिर अल्फा पार्टिकल सॉरी प्रोटॉन का चार्ज होता है e, न्यूट्रॉन का भी चार्ज होता है e और अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है 2e। ये चीज पहले दिमाग में रखिए, ये मास है और ये है चार्ज, ठीक है। अब देखो यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। यहां पे काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो ऐसी सिचुएशन में रेडियस का जो फॉर्मूला होता है ना भाई, एमवी अपॉन क्यूबी, उस फॉर्मूला को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2mk अपॉन क्यूबी। अब देखिए यहां पे तीनों तीन पार्टिकल के मास और चार्ज अलग अलग होंगे लेकिन काइनेटिक एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग नहीं होंगे, एंड दिस दैट्स व्हाई आई आर इज प्रोपोर्शनल टू रूट एम अपॉन क्यू लिख सकते हैं, एंड देयरफॉर आर वन आर टू और आर थ्री ये अपना पार्टिकल नंबर वन है भाई, ये पार्टिकल नंबर टू और ये पार्टिकल नंबर थ्री, तीनों तीन का रेशियो क्या आएगा, रूट एम चार्ज की जगह पे आएगा ई, फिर रूट टू एम चार्ज की जगह पे आएगा ई और रूट फोर एम चार्ज की जगह पे आएगा टू ई। तो यहां पे देखिए ये रूट एम अपॉन ई, फिर यहां पे रूट टू टाइम्स रूट एम अपॉन ई और यहां पे बेसिकली देखिए रूट चार का रूट बाहर निकल जाएगा तो टू हो जाएगा, टू टू कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, रूट एम अपॉन ई। सो फाइनली रेशियो वाइज अगर आप देखो तो वन फिर रूट टू और फिर वन, ऐसा कुछ आंसर आएगा, एंड दैट्स व्हाई आंसर इज सी। ओके गाइस, ये समझ में आ गया सबको, ध्यान से देखना ये कैसे किया मैंने, मैंने ध्यान से देखा, ध्यान से रीड किया कि सेम काइनेटिक एनर्जी वर्ड इस क्वेश्चन में है, इस सेम काइनेटिक एनर्जी वर्ड को मैंने पकड़ लिया और उसके हिसाब से डायरेक्टली mv को मैंने रिप्लेस कर दिया इस वैल्यू से। ये कैसे किया ये कल के लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था, ये आपको याद होना चाहिए, याद नहीं है तो प्लीज डू चेक दैट पर्टिकुलर लेक्चर और फिर वापस आइए इस पर्टिकुलर जगह पे। आगे बढ़ते हैं गाइस, अब देखिए यहाँ पे क्या है, एन इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन है भाई, इलेक्ट्रॉन एंटर्स विद द वेलोसिटी, ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी वी जीरो जे है, यहाँ पे वेलोसिटी जो है दैट इज इक्वल टू वी जीरो जे, ओके, इनटू अ क्यूबिकल रीजन इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड and orbit of electron found to be spiral down inside the cube plane parallel to xy plane। अच्छा देखो ध्यान से इसमें क्या दूध दिया है, इसको क्वेश्चन को बाद में पढ़ते हैं, फिर अब यहाँ पे पहले देखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड है ना कुछ ऐसे है, फॉर एग्जाम्पल ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइन्स है और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने कोई चार्ज पार्टिकल को एंटर किया ना, तो ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, हेलिकल पाथ पे इस मैग्नेटिक फील्ड के आजू बाजू इस तरह से वो मूव करेगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम एंटर करेंगे, जरूरी नहीं है कि हम उसको एंटर करेंगे एक दूसरे उसके परपेंडिकुलर या सी, यहाँ पे कोई भी एंगल पे एंटर करो, और अगर ये हेलिकल पाथ पे मूव कर रहा है ना, स्पाइरल पाथ पे, तो स्पाइरल कुछ ऐसा होगा, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि स्पाइरल पाथ जो होता है ना उसके परपेंडिकुलर की डायरेक्शन जो होती है ना वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। अब यहाँ पे अपने क्वेश्चन में क्या बोल दिया है कि ये जो स्पाइरल पाथ है ना वो एक्स वाई प्लेन में है, देखिए क्वेश्चन में दिया है स्पाइरल पाथ एक्स वाई प्लेन में है, तो डेफिनेटली ये जेड एक्सिस होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा ना वो जेड एक्सिस में होगा, मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कैंसिल, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वर्ड दिया हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, तो बी अगर के बी जेड डायरेक्शन में है और तो ई को क्या होना पड़ेगा भाई, एक्स डायरेक्शन में होना ही पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो ऑलरेडी जे डायरेक्शन में है, हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर वी ई और बी ये तीनों एक दूसरे से क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए, और इस कंडीशन को देखते हुए और ये जो कंडीशन मैंने यहाँ पे सिखाई आपको उसको देखते हुए ऑप्शन बी इज द परफेक्टली राइट ऑप्शन गाइस, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, एनर्जी ऑफ इमर्जेंट फोटॉन्स इन एमईवी, एमईवी में एनर्जी निकालनी है फ्रॉम अ साइक्लोट्रॉन हैविंग रेडियस, साइक्लोट्रॉन का जो डी होता है ना, साइक्लोट्रॉन का डी पता है ना भाई क्या होता है, साइक्लोट्रॉन का डी ये है, तो उसका जो रेडियस है वो रेडियस हमको यहाँ पे दिया हुआ है, दैट रेडियस इज इक्वल टू 1.8 मीटर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 0.7 टेस्ला। ये दो चीज हमको दी हुई है। मास ऑफ प्रोटॉन भी मुझे पता है 1.67 इनटू 10 रेस टू नेगेटिव 27। तो मुझे क्या फाइंड करना है भाई, एनर्जी फाइंड करनी है। देखिए ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होगी, जो भी प्रोटॉन है सॉरी प्रोटॉन की एनर्जी जो होगी ना, उसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, पी स्क्वायर बाय 2m, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 रहेगा। और साइक्लोट्रॉन का केस है मतलब क्या होगा, चार्ज पार्टिकल इज इंसर्टेड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर किया जाएगा, और इसलिए रेडियस का जो फॉर्मूला होगा वो mv अपॉन qb होगा, और इसके ऊपर से मोमेंटम जो होता है वो होगा qb into r, दैट्स इक्वेशन नंबर 2। तो क्या करेंगे भाई, फ्रॉम 1 एंड 2 ये जो होगा e, दैट इज गोइंग टू बी q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2m। बस सारा डेटा आपके पास है भाई, ये प्रोटॉन है तो q का वैल्यू होगा e, b इज ऑलरेडी गिवन, r इज ऑलरेडी गिवन, और प्रोटॉन का मास होगा mp। सो यू हैव ऑल द डेटा, जस्ट कैलकुलेट द आंसर। ठीक है, यहां से कैलकुलेशन में आगे नहीं दिखा रहा हूं, ठीक है, आप ये कैलकुलेशन करोगे, जल्दी से कैलकुलेट करो, इस पॉज करो थोड़ा सा और फिर मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है, चेक करो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चलो अभी जो क्वेश्चन किया उसके बाद जो ये क्वेश्चन करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेन नॉट करेक्ट अबाउट साइक्लोट्रॉन, जो करेक्ट नहीं है वो चीज बतानी है, जो सही है वो नहीं बताना है, जो गलत है वो बताना है। तो साइक्लोट्रॉन में मशीन क्या करती है, इट इज यूज टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल और आयन, ये काम भाई सही है, ये करती है मशीन, ठीक है, एक्सेलरेट करती है। फिर साइक्लोट्रॉन यूजेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये भी सही है। फिर ऑपरेशन ऑफ द साइक्लोट्रॉन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट टाइम फॉर वन रिवॉल्यूशन ऑफ एन आयन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। यस, देखो ध्यान से ये क्या कहना चाहते हैं कि टाइम रिवॉल्यूशन यानी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है qb अपॉन 2 पाई m, एंड आप देखो यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी ना तो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है ना तो रेडियस पे डिपेंड करती है, ठीक है, तो इसकी वजह से ये साइक्लोट्रॉन परफेक्टली वर्क करता है और ये सही बात है। तो ऑब्वियसली अपना आंसर क्या हो जाएगा, डी, ये जो गलत आंसर है दैट विल बी माई फाइनल आंसर, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। देखते हैं क्या है, The charged particle and ion in cyclotron can move on any arbitrary path. कोई भी पाथ पे तो मूव नहीं करते भाई, वो सर्कुलरली मूव करते हैं, राइट? तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसको डिटेल एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल को एंटर कर दिया जाता है तो हाउ दैट चार्ज पार्टिकल विल बिहेव, उसके बारे में ये डिस्कशन जो था हमने किया, ठीक है। अभी इसके बाद मैं एक लेक्चर और लेने वाला हूँ, उसको आपको अटेंड करना है। आज तीन लेक्चर नहीं करने वाला, दो लेक्चर मिलेंगे बाद में। थैंक यू।